Now question number 3. Find the numbers whose common logarithm are, first part है 3.5621 और second part है -1.7427. तो हमने find करना है इसका, क्योंकि common logarithm given है किसी number का और उस number का हमने क्या करना, वो number हमने find करना है. इसका मतलब हमने एंटी logarithm लेना है, तो एंटी log की तरफ जा रहे हैं. तो गिवन क्या चीज है, यानी लॉग ऑफ सम नंबर, उसको मैं कहता हूं एक्स, और वो हमें गिवन है कि इस नंबर का जो लॉग है दैट इज 3.5621. हमने ये नंबर फाइंड करना है. तो जब ये नंबर एक्स हमने फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड का, तो एंटी लॉग ऑफ log x is equal to anti log of 3.5621. log और anti log एक दूसरे के opposite है, ये दोनों cancel out हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा x यानी ये number. और अब हमें जो given है यहाँ पर इसका हमने क्या find करना, anti log find करना है. जिस तरह हमने लॉग फाइंड किया था उसी तरह हम लॉग एंटी लॉग भी फाइंड करेंगे. तो टेबल की तरफ हम रुजू करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है लॉग टेबल में और एंटी लॉग के टेबल में. जो लॉग का टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 यानी 11, 10, 11, 12 और इस तरह से आगे चलता जा रहा है 99 तक. लेकिन जो एंटी लॉग का टेबल है वो 0.1 से स्टार्ट होता है, तो 0.10 पॉइंट इस तरह से. और अब हमारे पास जो नंबर है एंटी लॉग फाइंड करने के लिए, ये जो पहला है फर्स्ट डिजिट इसको हम इग्नोर कर देते हैं, 3 को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, आखिर में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो जब 3 को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए, 4. तो अब मैं ज़रा साइड पर लिख देता हूँ 0.5621. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले दो डिजिट्स हमने लेने हैं, यानी क्या है 0.56. तो हम एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं तो 0.56 यहाँ पर, ये मैं कौन सा टेबल देख रहा हूँ, एंटी लॉग का टेबल है, लॉग का टेबल नहीं है. तो अब 0.56 और आगे थर्ड डिजिट जो है वो क्या है 2. तो ये थर्ड डिजिट क्या है 2. तो अब इसका मतलब 0.56 के सामने और 2 के नीचे जो नंबर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0. मैं इधर जरा साइड पे लिख देता हूँ 0.3648 और उसके बाद फोर्थ डिजिट क्या है 1. वो डिफरेंस हमने फाइंड करना है. अब यहाँ पर आना है 1, ये है इस 1 के नीचे 0.56 के सामने क्या नज़र आ रहे हैं 1. तो अब हमने ये वाला 1 इसके साथ ऐड कर देना है. तो जब हम ये ऐड कर देंगे तो यह नंबर हमारा बन जाएगा 9463. ये पॉइंट मैं नहीं लगा रहा, ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये नंबर है 03649. तो अब मैं एंटी लॉग का जो आंसर लिख रहा हूँ वो इसके नीचे लिख रहा हूँ 3649. अब हमें इस 3 को कंसिडर करना है. इस 3 का क्या मतलब है, इस 3 का मतलब ये है कि जिस तरह हमें कोई नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक नंबर है 03649. अब मैं आपको कहता हूँ इसका लॉग फाइंड करें, तो लॉग फाइंड करने के लिए आपको करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होगी और आपको मेंटीसर की ज़रूरत होगी. तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 4 डिजिट्स है ना, तो 4 डिजिट से एक डिजिट कम कर दी तो कितने रह जाएंगे 3. तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा 3. और उसके बाद जो मेंटीसा होगा वो हम टेबल में देखेंगे. यहाँ पर एग्जैक्टली यही हो रहा है कि ये जो, क्योंकि ये किसी नंबर का लॉग गिवन है तो जो कि ये ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक है, ये 3 क्या है करेक्टरिस्टिक है. तो इसका मतलब पॉइंट हमें कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 4 है. अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा 3. तो इसी तरह से हमने 3 को एडजस्ट किया, यानी x इज इक्वल टू 3649. आखिर में
पॉइंट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा नंबर जो कि हमने फाइंड करना था।